नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आपने देखा है, बहुत लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, तुम भगवान तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है। तुम्हारा काम है कर्म करने का। सर्व तो श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। अब मुद्दा समझना, श्री कृष्ण ने क्या कहा, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, यानी फल मिलेगा नहीं मिलेगा उस वाले काम से ये मतलब नहीं निकलता कि तू फल की इच्छा करके करेगा, वो फल ना निकला तो तू निराश हो जाए। तेरा काम है कर्म करने का। यहाँ मुद्दा ये नहीं आ रहा, वो लोग इस वाली बात को कहते हैं, वो घर में तू जाएगा ही नहीं तो तुझे रोटी क्या मिलेगी, तू तो बाहर जाकर काम करेगा, सुबह जाएगा शाम को आएगा तभी पैसा आएगा ना, तो काम कर, तू परमात्मा की फिक्र मत कर। समझ में आई नहीं आई? जब तक खुद काम नहीं करेंगे कुछ ना बनने वाला, परमात्मा भी मुंह में नहीं देता तुझे खाना, मुंह में खाना ना दे डाल देगा। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे 50-60%। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में, वो व्यक्ति बोलता मैं भगवान को नहीं मानता। मानते हैं? ये कौन थे पतंजलि वाले, उनके गुरु पतंजलि के बाबा रामदेव, मेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है, मेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास तो अंधा पैसा है, कह रहे ये फॉर्मेशन है उनके हाथ में, मैंने हाथ नहीं देखा, ये फॉर्मेशन है। ये अपने आप में ही कुबेर धन है, ये अपने आप में ही कुबेर धन है। भाड़ में गई ये रेखाएं, यहाँ है या नहीं है कोई जरूरत नहीं है, है ही नहीं जरूरत। क्या बात करें, पामिस्ट्री को सीखोगे तो। वो लोग कौन होते हैं जो मानते नहीं हैं? अब मुद्दा आता है कि वो जब तक तुम काम नहीं करोगे, मैं सफल हुआ तो मैंने कोशिशों के साथ हुआ, मुझे प्रसिद्धि मिली तो मैंने इसके कारण, एक कभी न्यूज़ पढ़ रहा था, एक फेसबुक पेज बनाया और वो व्यक्ति 3600 करोड़ का मालिक बन गया। अरे वो न्यूज़ पढ़ी, एक फेसबुक पेज बनाने से जी मैंने ऐसे ऐसे तरक्की करी, ये करा वो करा। ओयो का एक मालिक, उसने क्या करा जी, साइकिल चलाते थे, फिर उसके बाद जो है उसके बाद क्या करा जी, एक तौलिया लिया, होटलों में गए और उस पर अपना नाम छिपवाया और कहा जी नुकसान होगा वो सब मेरा, फ़ायदा होगा उसमें से मुझे थोड़ा सा दे देना। वो चल गया, तौलिया रखता था, साबुन रखता था सब जगह पर जाकर, ऐसे ऐसे करके जो है वो आज बन गया। आज वो व्यक्ति क्या कहेगा कि अरे तुम लोग सब पागल हो, तुमने मेहनत करनी आई तुम लोगों को, मैंने अपनी जीवन में अपने भाग्य के बल पर, देखो सुनना वो उसका वर्ड क्या होगा, मुझे भाग्य के बल पर जीवन में मैंने तरक्की करी है, मेरे प्रयत्न से मैं सफल हुआ हूँ, प्रसिद्ध हुआ हूँ अपने प्रयत्नों से, मेरा काम करने का तरीका ही अलग है, इसीलिए मुझे लोग जो है, मैं डिफरेंट हूँ, मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरे ढंग से काम करता हूँ। फिर उदाहरण दे देते हैं जो है टाटा जी का या किसी का दे देते हैं कि BMW कितने साल में खरीदोगे, ये वीडियो भरे हुए हैं। तो टाटा जी ने कहा कि किसी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें 2 साल लगेंगे, किसी ने कहा 3 साल लगेंगे, टाटा जी ने कहा जी मुझे तो अभी 5 साल लगेंगे। अरे एक BMW खरीदने में 5 नहीं, मैं तो पूरी कंपनी BMW खरीदने की बात कर, जैसे मर्जी तोड़ मोड़ के बात बोल लिया। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये लोग जो अपना काम करने का तरीका ही अलग होता है उससे प्रसिद्ध होते हैं, वो रेखा क्या होती है, और उनके ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव दूसरे लोगों पर अधिक पड़ता है।
इंस्पायर होते हैं। मेरा तो जो है जिसे कहते हैं गॉड फादर है जी। एमवे वाले क्या करते हैं, एमवे वाले लोगों को उल्लू बनाने के लिए, एक एमवे कंपनी थी या अभी भी है पता नहीं, वो उल्लू बनाने के लिए प्रोडक्ट बेचती है और सबको सपने दिखाती है ऑडी के, बीएमडब्ल्यू के, रोल्स रॉय के, ये वो पता नहीं कौन कौन सी कारें, कौन कौन से बंगले, ऐसे सपने दिखा देती है अपने कमरों में। ना तुम ना टारगेट रखो एक ऑडी का कि मुझे 2025 तक ऑडी लेनी है। बेच बेच के कौन कौन सा प्रोडक्ट, टूथपेस्ट बेचो, जो टूथपेस्ट आपको 30 रुपये का मिलता है वहाँ 300 रुपये का मिलता है, बेचो उसे, बेचो, लोगों को उल्लू बनाए जाओ, एक इतना सा बस लगाना है आपने, इससे दांत चमकेंगे, उससे कमीशन आएगी, उससे ज़िंदगी में वो अपना रोटी कमाते हुए मिलते हैं। उनकी बीएमडब्ल्यू और कहीं नहीं मिली मर्सिडीज उनको, लेकिन उन्हें मोटिवेशन जो है अपनी लोगों को इंस्पायर करना है। एनीवे, ये कौन लोग होते हैं जो कि के कहते हैं कि हम अपने दम पर करेंगे। मुद्दा ये है, ये शनि की रेखा है। अगर कहीं किताब में ये लिखे कि शनि पर्वत पूर्ण विकसित हो, विकसित कभी नहीं होता, फ्लैट होता है शनि पर्वत, उन्हें थप्पड़ मारना, अगर कोई मिल जाए ना ऐसा ऑथर मिल जाए, ऐसा लेखक मिल जाए, पूर्ण विकसित नहीं होता, विकसित होता है वो उभरा हुआ हो, वो पर्वत उभरा हुआ है, वो विकसित है, ये उभरा नहीं है, ये सपाट है, शनि पर्वत सपाट होना चाहिए तो वो विकसित कहलाता है, ये उभरा हुआ है तो नहीं होगा, याद रख लेना। शनि पर्वत सपाट हो, विकसित हो, शनि पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हों जो आगे की तरफ हो। अब ये वर्ड समझो, शनि पर्वत है, ये शनि रेखा है, हम बना क्या रहे, ये तरीके ये तो रेखा ऐसे बना दी, बनाई नहीं बनाई हमने, ऐसे बनाई ना, ये बहुत तरक्की की रेखा है, ये ऐसे ये वर्ड नहीं बोल रहा, वो बोल रहा छोटी छोटी रेखाओं से आगे बढ़ी हुई हो, ये रेखा छोटी छोटी रेखाओं से आगे बढ़ी, ये क्या है, एक रेखा का टुकड़ा ऐसे ऐसे, एक रेखा का टुकड़ा ऐसे ऐसे, ये ऐसे बन रही है, या ये तो ज़्यादा फल देने की रेखा है, ये त्रिशूल बन रहा है ना, ये ज़्यादा देने की रेखा है, अब इसी को कम करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, सर ये कर सकते हैं, कर सकते हो, पतली सी, ये बहुत, ये तो पेन ही नहीं बन रहा, बहुत पतली सी रेखा यहाँ पर एक ये बना दी हमने, चलो, और या ऐसे रेखाओं से बना, ये है, ये व्यक्ति होगा ना, अब ये व्यक्ति के हाथ में है, ये व्यक्ति उन्नति तो करेगा, ये व्यक्ति उन्नति करेगा अपने भाग्य के बल पर, वो सोच रहा है मैं तरक्की कर रहा हूँ ना, मेरे मैं तो तरक्की कर रहा हूँ, मैं ये ज़्यादा मजबूत है, अब उसे तकलीफ़ कम होगी, ये कमज़ोर है तो थोड़ी मेहनत करेगा, मैंने तो साइकिल चलाई, कंप्यूटर बेचता था बिल गेट पहले साइकिलों पर जाग जाग कर, फिर जो है उसने वो करा, फिर और कंपनी बनाई, आज अरबपति है, उसके लिए मेहनत नाम मात्र की करी उसने और वो अरबों में खेल रहा है, एक व्यक्ति लगातार रिक्शा ही चलाता जा रहा है पूरी ज़िंदगी में, वो भी तो है, इस व्यक्ति को क्यों नहीं, वो भगवान को मानेगा, वो कहेगा मेरे बलबूते पर मैंने करा, भाग्य के बल पर अपने प्रयत्न से सफल हुआ हूँ मैं, मैंने प्रसिद्धि प्राप्त करी, मैं विदेश गया, मैं विदेश में जाकर अपना नाम कमाया, मैं विदेश में अपने बिजनेस को खोल रहा हूँ,
उस बिजनेस में तरक्की करवा रहा हूँ, ये लाइनें बन रही हैं, तो इसका मतलब यही है, रटते रहो आप। मैंने वहाँ जाकर होटल इंडस्ट्री खोल ली, इसका संबंध गुरु से बना होटल इंडस्ट्री खुलवाएगा। मैंने बाहर जाकर पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद वहीं पर सेटल हो गया, वहीं मैं बस गया। मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया, मैंने इसका दिया, मैंने उसका दिया, मैं राजदूत लग गया। 100 कंट्री में मेरी, मैं वहाँ पर हूँ, ये राजनीतिक, ये राजदूत बन जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो इसी रेखाओं के साथ ये हो गया तो क्या होगा, टच हो गया तो क्या होगा, उसे क्या मुसीबत लगेगी? मुसीबत नहीं लगेगी उसे। मैं अपने तरीके से, मेरा काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग। एलन मस्क काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है उसका, वो ऐसे नहीं करता है, उनने ये कर दिया, उसकी सोच ऐसी है, तुम भी ऐसे ही करो। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में रेखा नहीं है। वो कर सकता है, वो सोच रहा है, भगवान कुछ नहीं है, तेरे कहने से ना कहने से भगवान कुछ नहीं है, तेरी ये रेखा है तो तुझे लग रहा है सारी चीज़ें ये तरक्की की रेखा है। एक दिन ऐसे रेखा बना दे तू, बस भगवान तेरे हाथ में उल्टी रेखा बना दे, लगा तू पैसा ना बर्बाद हो जाए, तब देखना घुटने के बल जाके कहेगा भगवान तू कुछ कर, तू कुछ कर। ये वो लोग बन जाएंगे। मैं बहुत अमीर था, यहाँ तक तो भगवान कुछ नहीं था, यहाँ आकर भगवान तू ही सब कुछ है। ये आदमी चेंज हो जाएंगे, ये रेखाएं चेंज करा देती हैं आदमी को। पॉमिस्ट्री। मैंने एक वीडियो बनाया कि माँ बच्चे को छोड़ के चली गई, बच्चा अनाथ था, उसे दत्तक पुत्र किसी ने ले लिया, तो वो क्या था? मैंने एक स्टोरी बनाई और वो रेखा बता दी। ऐसे ही यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति नहीं मान रहा भगवान को, इन रेखाओं के कारण नहीं मान रहा, उसे लगता है कि जिंदगी भर ये रेखाएं मैं अपने बल पर देख रहा हूँ। यहाँ पर ये रेखा है तो शिरडी जी में गए थे हम, तो इसलिए इन्हीं को हम मानेंगे, इन्हीं को। हारे का सहारा सो एंड सो, हम तो वहीं जाएंगे, हम तो वैष्णो देवी। अरे तुम जो सोच के बैठे हो कि तुम इस जगह पर बैठे जा रहे हो तो तरक्की कर रहे हो, गलत है। परमात्मा कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता। बच्चा जब पैदा होता है उसकी किताब लिख देता है, तू उसे मान ना मान, तू परमात्मा को मान ना मान, मंदिर जा नहीं जा, तब भी तुझे ये फल तो देना ही है। इसलिए मैं लेफ्ट हैंड लेता हूँ, प्रारब्ध को लेता हूँ। देखो मृदंग योग क्या होता है, जिस हथेली में शनि पर्वत पूर्ण विकसित है, नहीं पता इन्हें कि शनि पर्वत पूर्ण विकसित का मतलब क्या है, सपाट है, सपाट। किताब लिखने वाले ने नहीं बताया, पूर्ण विकसित कह दिया। तथा शनि रेखा छोटी छोटी रेखाओं से बनकर आगे बढ़ी हुई हो तो, छोटी छोटी रेखाओं से। अब मैं इसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करूं तो इसकी ज़िंदगी जो है परेशानियों के साथ जाएगी, लेकिन कहता क्या है, इससे होता क्या है, वह व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर जीवन में उन्नति करता है, यानी टूटी टूटी रेखा से तो नहीं है। अपने प्रयत्नों से सफल होने पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रसिद्ध होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है और उसी वजह से उसके कार्य की
में दिव्यता होती है और ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव अन्य पर अधिक, यानी ये तो सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं होना चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं होना चाहिए। तो ये या तो ये रेखा है या ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, या इसके बीच में ये साइन, छोटी छोटी रेखाओं से। ये तो मैंने बड़ा करके बताया, दूर से ऐसा दिखा था। तो ये तो देखो समझाने का तरीका है और एक्यूरेट तरीका है। ये चैनल आपको कभी गलत नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।